दोस्तों, अगर आप भी कर रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी, तो प्रभात एग्जाम आपके लिए लेकर आए हैं इन न्यूज टॉपिक्स जो आपको आपकी परीक्षा में सफल होने में सहायक सिद्ध होगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का इन न्यूज टॉपिक। गीगामेश समाधान। हाल ही में एस्ट्रोम ने भारत में 15 गांवों के साथ गीगामेश संपर्क समाधान नामक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। एस्ट्रोम द्वारा विकसित गीगामेश ग्रामीण 4G बुनियादी ढांचे में भीड़भाड़ की चुनौतियों को संबोधित करेगा और उच्च तकनीक एवं सस्ती इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। क्या होता है गीगामेश? इस समाधान को एस्ट्रोम द्वारा विकसित किया गया है। स्टार्टअप को भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब द्वारा समर्थन प्रदान किया गया है। यह एक नेटवर्क समाधान है जो वायरलेस रूप से फाइबर जैसी ब्लैक होल क्षमता प्रदान करेगा और 5G के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। यह दुनिया का पहला मल्टी बिम ई ब्रांड रेडियो है जो इन टावरों में से प्रत्येक को मल्टी GBPS थ्रीपुट डिलीवर करते हुए एक टावर से कई टावरों तक एक साथ संचार करने में सक्षम है। एक एकल गीगामेश डिवाइस 2+ GBPS क्षमता के साथ 40 लिंक प्रदान करता है जो 10 किलोमीटर की सीमा तक संचार कर सकता है। गीगामेश ई ब्रांड में कई पॉइंट टू पॉइंट संचार की सुविधा है, लागत कम करता है और सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित होता है जिससे इसे दूरस्थ रूप से तैनात, रखरखाव और मरम्मत करना आसान हो जाता है। क्या है कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क? आर्ट पार्क भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स में प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक गैर लाभकारी फाउंडेशन है। आर्ट पार्क के AI शोधकर्ताओं ने हेल्थ टेक स्टार्टअप नरमई हेल्थ एनालिस्टिक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के सहयोग से एक्सरे सेतु भी विकसित किया है। एक्सरे सेतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कुछ ही सेकंड में COVID-19 के प्रति 98.86% संवेदनशीलता के साथ चेस्ट के एक्सरे की व्याख्या कर सकता है। आर्ट पार्क ने आर्ट पार्क इनोवेशन समिट का भी आयोजन किया जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने के लिए उद्योग, शिक्षा और सरकार को एक छत के नीचे लाया गया जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की संचार व्यवस्था यानी कनेक्टिविटी कैसे बनाई जाए, भारत के लिए स्वास्थ्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, भारत को ड्रोन से जोड़ना, भविष्य के लिए समावेशी शिक्षा तथा AI एवं अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। इसके अलावा उन्होंने भारतीय सेना के एक मानव सहित जमीनी वाहन यानी UGV के प्रयोग के लिए भाग लिया और भारत के एकमात्र लेड रोबोटिक डॉग का भी प्रदर्शन किया। कौन से हैं AI के उपयोग के अन्य क्षेत्र? पुलिसिंग के क्षेत्र में AI की मदद से केंद्र डेटाबेस के साथ चेहरे के मिलान, अपराध के पैटर्न के अनुमान और CCTV फुटेज के विश्लेषण द्वारा संदिग्धों की पहचान की जा सकती है। सरकार सभी रिकॉर्ड यानी विशेष रूप से अपराध रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर रही है और इसे CCTNS नामक एक ही स्थान पर एकत्रित भी कर रही है जहां किसी अपराधी या संदिग्ध की तस्वीरों, बायोमेट्रिक्स या आपराधिक इतिहास सहित सभी डेटा उपलब्ध है। कृषि के क्षेत्र में AI कृषि डेटा का विश्लेषण करने में मदद करता है। किसान अपने निर्णयों को बेहतर ढंग से सूचित करने के लिए मौसम की स्थिति, तापमान, पानी के उपयोग या अपने खेती से एकत्रित मिट्टी की स्थिति जैसे कारकों का विश्लेषण कर सकते हैं। कृषि में अधिक सटीकता लाने हेतु पौधों में बीमारियों, कीटों और पोषण की कमी आदि का पता लगाने के लिए कृषि AI तकनीकों का उपयोग किया जाता है। AI सेंसर्स खरपतवारों की पहचान कर सकते हैं तथा फिर उनकी पहचान के आधार पर उपयुक्त खरपतवार नाशक का चुनाव कर उसे क्षेत्र में सटीक मात्रा में खरपतवार नाशक का छिड़काव कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस साल अप्रैल में युवाओं के लिए जिम्मेदार AI कार्यक्रम लॉन्च किया था
जिसमें सरकारी स्कूलों के 11,000 से अधिक छात्रों ने AI में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूली पाठ्यक्रम में AI को एकीकृत किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बुनियादी ज्ञान व कौशल हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सटीक दवाओं में AI का अनुप्रयोग फायदेमंद हो सकता है। यह भविष्यवाणी करना कि विभिन्न रोग विशेषताओं और उपचार संदर्भ के आधार पर रोगी पर कौन से उपचार प्रोटोकॉल सफल होने की संभावना है। NLP सिस्टम रोगियों से संबंधित नैदानिक नोटों का विश्लेषण कर सकता है, रिपोर्ट तैयार कर सकता है, रोगी की बातचीत को ट्रांसक्रिप्ट कर सकता है और AI संवादों का संचालन कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।